भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10,000 के लगभग पहुंच चुकी है। वहीं यूपी के 52 जिलों में यह महामारी अपने पैर पसार चुकी है। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 के आंकड़े को भी पार कर गई है। नमस्कार, मैं हूं जयदेव सिंह और आप देख रहे हैं पंचायत वार्ता। मंडल के प्रत्येक जिले में प्रशासन आम जनमानस को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठन भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क तथा सैनिटाइजर जरूरतमंदों में वितरित कर रहे हैं। क्योंकि मास्क लगाने से संक्रमण का खतरा टाला जा सकता है, इसलिए संपन्न लोग मास्क खरीद कर वितरण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क बनाने में प्रयुक्त सामग्री को अपने रुपयों से खरीद कर ला रहे हैं और स्वयं ही मास्क तैयार कर जरूरतमंदों को वितरित कर रहे हैं। ऐसी ही एक जागरूक स्वयंसेवी हैं जनपद संबल की तहसील चंदौसी स्थित एसएम डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर मीनाक्षी सागर। मीनाक्षी सागर लॉकडाउन के प्रारंभिक समय से ही कपड़े के मास्क स्वयं सिलकर गरीब जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरित कर रही हैं। आपको बता दें कि मीनाक्षी सागर एसएम कॉलेज में एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी भी हैं। इसके अलावा वह जनपद से भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री के दायित्व को भी भली भांति निभा रही हैं। मीनाक्षी सागर से जब मास्क बनाकर वितरित करने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैं मीनाक्षी सागर एसएम कॉलेज प्रवक्ता समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की और छात्र इकाई की एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी एसएम कॉलेज चंदौसी से हूँ। और इसमें मैं गरीबों में वितरित करने के लिए मास्क बनाने का कार्य लगातार किया है मैंने 6 अप्रैल से, और आज तक मैं मास्क बना दिए हैं मैंने 1500 के करीब और डेली चंदौसी के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किए हैं। और उसके साथ ही मैंने जो मेरी छात्रा इकाई की वॉलंटियर्स हैं उन सभी को मैंने मैसेज दिए हैं कि वे भी गांव में आसपास में वे जहां भी रह रही हैं वहां के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बताएं। और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए मेरी जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी को प्रेरित कर रही हैं और वे भी अपने घर में मास्क बनाकर गरीब लोगों में वितरित कर रही हैं। ठीक है। और जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है, अगर आप उसको ये हमारे रिश्तेदारों में और हमारे घर में अगर हमारे बच्चों के पास किसी के पास चाहे छोटा फोन है चाहे बड़ा फोन है ये होना चाहिए, उसका मतलब ये होता है अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है तो 50 मीटर की दूरी में आपके आसपास अगर कोई भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति होता है तो वो आपके फोन में अलार्म बजेगा और आप चौकन्ने हो जाएंगे और फिर आप पुलिस में खबर दे सकते हैं। मैडम, इस समय जो है ये लॉकडाउन का समय है, बच्चे घर पर हैं, तो क्या ऑनलाइन की क्लासेस के लिए आपके पास कोई आपने कुछ उपाय किया? जी, मैंने जूम ऐप के तहत अपनी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखी हैं जिनसे मैं अपने बच्चों को, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी से आदेश आया है कि कुछ समय के बाद हमारी यूनिवर्सिटी खुलेगी, हमारे विद्यालय खुलेंगे और उसके बाद बच्चों की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो संपन्न कराई जाएंगी, तो इसके लिए बच्चे तो बाहर नहीं निकल सकते लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं जिससे मैं अपने बच्चों को मुख्य प्रश्नावली के बारे में बताती रहती हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।